अपनी पूजा वूजा तो शाम को ही हो गई थी, बताया था आपको, और दिया विया जो भी था वो सब जला लिया, और तब तक तो मतलब ठीक था सब। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द व्लॉग। और आज जो है दीपावली है, और आप सभी लोगों को मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी दीपावली। और अभी क्या है ना, मतलब पूरा घर एकदम सज चुका है, एकदम मतलब साफ साफ सा हो गया है। मतलब कल जो है ना, हमने और प्रीति ने मतलब सुबह से शाम तक एकदम रगड़म रगड़म सफाई कर दी, पूरी एकदम दबा के सफाई की गई है। और बाहर झालर जो लाइट वाइट होती है उन सारी लग चुकी है, और अच्छा लग रहा है। जब लाइट चलेगी ना तब दिखाऊंगा आपको, अभी तो पता ही नहीं चलेगा, थोड़ी थोड़ी धूप हो गई तो। और आज हम लोगों के लिए बहुत ही खास दिन है, और वो खास दिन क्यों है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। और आज जो है हमारे लिए बहुत ही अच्छा दिन है, तो आज मैं बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, खुश हूँ, और मेरे पूरे परिवार के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है ना। और सबसे बड़ी बात, खास बात ये है कि आज 24 तारीख है और दीपावली भी पड़ रही है और अक्टूबर है। और लास्ट ईयर इसी 24 तारीख को हम लोगों ने गृह प्रवेश की पूजा रखवाई थी अपने इसी घर में, तो उसलिए भी खास है। और आज की डेट की खास बात एक बात और है, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। और बस यही है, तो अभी टाइम हो गया है, अभी चाय नाश्ता बन रहा है और प्रीति चाय नाश्ता बना रही है, तो चाय नाश्ता करते हैं। और अभी सर्वज्ञ सो रहे हैं और सर्वज्ञ के बाबा भी सो रहे हैं, तो थोड़ी तबीयत खराब है उनकी, तो लेटे हुए हैं, बुखार सा थोड़ा था उनको, तो इसलिए वो लेटे हुए हैं। और बस यही है, और अभी आपको सारा आज दीपावली में हम लोग आज आपको सारा चीज़ दिखाएंगे, कैसे क्या करते हैं कैसे नहीं, सब चीज़ दिखाएंगे आपको। तो गाइस चाय आ गई है, और बस जल्दी से चाय पियेंगे और ख़त्म करते हैं इसको, और छोटे मोटे काम है वो निपटाते हैं। तो यहाँ पे ये फ्रिज खोल के भाई साहब खड़े हैं, खांसी आ रही है, तबीयत खराब है, लेकिन फ्रिज खोल के खड़े हैं, और तब से कहा जा रहा है बंद करो इसको। नहीं क्यों बंद करो, जल्दी बंद करो, नाम बंद कर दे, अभी रुको पिटाई करते तुम्हारे। नहीं मत बंद करो, फ्रिज ही नहीं बंद कर रहा, पता नहीं क्या खोल के खड़ा है अपने आप। मेरा भी थोड़ा गला वाला बैठा, तबीयत जैसी खराब जैसी लग रही है, और बंद नहीं कर रहा फ्रिज ही, तो खोल के फिर से खड़े हो गए। ये करना कुछ भी नहीं है इसमें फ्रिज का, लेकिन तब भी खोल के खड़े। तो गाइस इनको चोट लग गई पैर में, और मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया और आया, रो रहे थे, कहाँ चोट लगी है, चोट कहाँ लगी, पैर में, यहाँ पैर में चोट लगी है, तब से रो रहे हैं और गोदी से उतर नहीं रहे, नहीं उतरना है, बाहर चले, बाहर चलना है, चलो बाहर चले। गाइस आज खाने में बने हैं दाल वाले पूड़ी, और इधर ये है खीर, तो चलो जल्दी से ख़त्म करते हैं इसको, और टाइम भी हो गए 1:30 बजने वाले हैं, तो अभी टाइम हो गया है 3:30, और खाना वाना तो खा लिया अपना, और फ्रेश फ्रेश हो गए, बढ़िया से फ्रेश हो गए, थोड़ा मोड़ा काम था वो अपना निपटा लिया है मैंने। और सबसे बड़ी बात ये है कि इतना हैक्टिक वाला दिन है, सबकी तबीयत खराब है, पापा की तबीयत खराब है, मेरी भी खराब है, और प्रीति की भी खराब है, सर्वज्ञ की तो पहले थोड़ी बहुत खराब थी, तो अभी सर्वज्ञ सो रहे हैं, हम और प्रीति अभी जा रहे हैं बाहर, जो पूजा वूजा का सामान है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पूजा के लिए, प्रसाद के लिए मिठाई लेने जा रहे हैं, और कुछ फूल लेके आएंगे, बाकी हम लोगों ने कल ले ही लिया था, तो बस वही फूल और मिठाई आज के लिए रखा था, तो आज जा रहे हैं लेने के लिए, तो अभी जा रहे हैं, तुरंत जाके वापस आते हैं, क्योंकि अभी सारी तैयारी बाकी है दिवाली की, गर्मी की पूजा की सारी तैयारी बाकी है। इनकी आवाज से भी लग रहा होगा इनकी भी तबीयत खराब, मेरी तो पहले से खराब है, कल मतलब सफाई वफाई करते करते धूल धक्कड़ सब उसी में पूरा दिन कल सफाई निकल गया, और रगड़ के सफाई हुई है कल, तो बस तो जल्दी जल्दी जाते हैं, निकलते हैं और सामान लेके आते हैं। लाइट बंद, खतरनाक वाले फूल लगे हुए हैं यहाँ पे, 20 का 30 का 50 का। मिठाई ले लिया है, अब यहाँ पे फूल लेने आए हैं पूजा के लिए,
पूजा के लिए मिठाई और प्रसाद सब ले लिया है, अब जल्दी से चलते हैं घर। यहाँ पे ये दिए सारे लगा दिए मैंने, ये प्रीति ने लगाए, ये मैंने लगाए। तो यहाँ पे प्रीति अभी जो है रंगोली बना रही है जरा मंदिर के सामने, और एक रंगोली यहाँ बनाएंगे, ये फूलों वाली बना रही है, और एक रंगोली बाहर बनाएंगे। कुछ अभी इस तरह है स्टार्टिंग फेस, थोड़ा इस तरह है अभी, और जब अभी बन जाएगा, डन हो जाएगा तो दिखाते हैं आपको। तो ये बन गई रंगोली प्रीति की, इन्होंने बनाई अभी वो फूलों की, अभी एक अंदर वाली बनी है, अभी बाहर बनाएंगी, मंदिर के सामने ये बन गई एक, अब चलते हैं बाहर। मैं हो गया हूँ रेडी, और इधर पीछे प्रीति भी रेडी हो गई हैं, और अभी टाइम देखो 7:15 हो रहे हैं, तो अभी हम लोग चल रहे हैं पूजा करने। तो गाइस अब ये जा रहे हैं ये लगाने, अब ये बाहर से लगाते हुए अंदर आएंगे, तो तभी तो लक्ष्मी जी आएंगे अंदर हम लोग के घर में, है ना। चलो लगाते हैं इसको। ये बलाएं निकल रही घर से, हम लोग के यहाँ से निकलती है बलाएं, निकाली जाती है, तो वही है, ये दिया से जला के लेके जाते हैं, बलाएं निकल रही है, बस बस चल गया। तो गाय अपनी पूजा हो गई है, अब चलिए दिए जलाते हैं। गाइस पूजा हो गई है, और सारे मोमबत्ती और दिए जला लिए हैं, और अब टाइम है पटाखे फोड़ने का। पटाखे तो वैसे मैं नहीं लाया हूँ, छोटे मोटे लेके आया हूँ, जैसे अनार हो गया, चक्करगिन्नी, ये सब लेके आया हूँ, ज़्यादा मैं पटाखे वटाखे फोड़ता नहीं हूँ वैसे, तो कितने बस करते हैं, मतलब बस ऐसे, मतलब फोड़ना चाहिए, मतलब करना चाहिए, ज़्यादा नहीं, हल्के फुल्के करने चाहिए, तो बस लाए हैं, अब चलेंगे उसको फोड़ेंगे, मज़ा आएगा, और सर्वज्ञ को भी लेके जाएंगे। तो गाइस फाइनल ये देखो अपना घर इस तरह सजा है, और ये बगल वाला घर है, और ये बगल वाला घर है, और ये इधर कॉम्प्लेक्स है अपना। इस बार झालर हम लोगों ने इस तरह लाइट अपनी लगाई, देखो ऐसे ऊपर से नीचे। तो गाइस अपनी पूजा वूजा तो शाम को ही हो गई थी, बताया था आपको, और दिया विया जो भी था वो सब जला लिया, और तब तक तो मतलब ठीक था सब, और उसके बाद जब दिया गया सब जला लिया कैसे तैसे करके, मतलब पहले से ही प्रीति की थोड़ी बहुत तबीयत खराब थी, और पूजा वूजा किया, उसके बाद ज़्यादा खराब हो गई, मतलब फीवर, एक बैड फीवर हो गया, तो मतलब कुछ भी करने का मन नहीं किया, मतलब खाना पीना कुछ भी नहीं। तो किचन में अभी दीदी हैं, तो प्रीति की दीदी हैं, बना रही है खाना,
और ये देखो प्रीति लेटी हुई है यहाँ पे, तबीयत खराब है, मतलब तगड़ी फीवर है, तो अभी दवा ववा दे दिया है, आराम कर रही है। जो भी पटाखे वटाखे लेके आए सब ऐसे ही रखे रह गए, तो देखते हैं। अभी पूरा खराब हो गया है, तो घर में किसी की तबीयत वबीयत खराब, अभी इससे पहले सर्वगी की खराब थी, पापा की भी खराब थी, तो ये लोग तो अभी ठीक हैं, तो अब प्रीति की तबीयत खराब हो गई। तो चलो कोई नहीं, अगले दिन देखते हैं, अगर अगले दिन ये ठीक रहेंगे तो पटाखे वटाखे जो लाएँ वो जलाएंगे फोड़ेंगे। तो बस इस ब्लॉग को आज यहीं पे एंड करते हैं, छोटा सा ये ब्लॉग बनाया, मतलब पूरा मन खराब हो गया, मतलब कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। तो बस इस गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अपने आप कुछ बंद हो रहा है ना वहां से, लड़के उसको लेके चिल्ला रहा है, देखो 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 कैसे चिल्ला, अपने आप चिल्ला रहा, मतलब फिर अपने आप उधर से लड़के आ रहा है। ये देखो अब रोएगा, ये देखो रो रहा, क्या हुआ बंद।